नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से, आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध। यह कहना भिवानी के उपायुक्त आरएस ढिल्लों का। इस बारे में वीरवार को उन्होंने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई भी व्यापारी या व्यक्ति सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करता हुआ मिला तो उससे 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा 1 जुलाई 2022 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर 500 रुपए से 25,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसके लिए पर्यावरण प्रदूषण विभाग, पुलिस विभाग और नगर परिषद संयुक्त रूप से अभियान चलाएगा। जिला प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने हेतु जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त आरएस ढिल्लों ने लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग के दौरान दी। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए विशेष तौर पर बाजार, सब्जी मंडी, सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाएं। वे लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की अपील करें। उन्होंने निर्देश दिए सरकारी कार्यालय परिसर के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जागरूकता के लिए पैम्पलेट लगाए जाएं तथा जागरूकता के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाए कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। इस अभियान में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा नगर परिषद, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के सहयोग से सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त किया जाएगा। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक, एक एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुएं जैसे कि पॉलीथीन कैरी बैग्स, प्लास्टिक के ग्लास, कटलरी आइटम्स और गुब्बारों में डलने वाली छड़ें, सूप, ये जूस वगैरह पीने वाली जो हमारे पाइप्स हैं, प्लास्टिक, इवन प्लास्टिक के बैनर्स इत्यादि, जो भी सिंगल एक बार यूज करके हम उसमें पर्यावरण में फेंक देते हैं, ऐसी आइटम्स के यूज़ पर पूर्णतः पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस और इसका जो बेचने वालों पर 500 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है और सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज़ करने वाले यूज़र के ऊपर भी 250 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसलिए हमारी आम जन से अपील है कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग पूर्णतः पूर्णतः बंद करें और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग में ना लाने हेतु अवगत कराएं और इसमें आम जन इस प्रतिबंध को लगाने में पूरा सहयोग दें ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। शुक्रवार को एनआरएचएम कर्मचारियों ने सरकार द्वारा वेतनमान कम करने के विरोध में हरियाणा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लामबंद हुए इन कर्मचारियों ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी देते हुए सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां आग के हवाले की और तुरंत प्रभाव से आदेश वापस लेने की मांग की। भिवानी में आज एनआरएचएम के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वेतनमान कम किए जाने के आदेशों की प्रतियां भी आग के हवाले कर दी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि वे पक्के कर्मचारियों की तरह कार्य करते हैं और जब कोरोना आया था तब बिना डरे बिना रुके उन्होंने कार्य किया। इस अवसर पर कर्मचारी नेता प्रदीप कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार मिलकर उन्हें वेतन देती है। 2018 में वेतनमान को लेकर कानून बनाया गया था जिसमें केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार अलग अलग शेयर देती थी। अब हरियाणा सरकार ने पत्र जारी करके उस कानून को ही रद्द करने की बात कही है जिससे उनके वेतन में कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो हरियाणा भर में आंदोलन चलेगा। सर, ये हमने वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हुए थे कि एनएचएम के जो बायलाज जनवरी 2018 से जो लागू हैं एनएचएम हरियाणा में, तो उनके लिए जो हमारी दो शेयर में सैलरी आती थी स्टेट और एनएचएम में, तो उसके लिए बायलाज को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एफडी जो हरियाणा है उनकी तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें जो हमारा बायलाज है उनको ख़त्म करने का जो आरम्भ उन्होंने किया है, तो उसके विरोध में एनएचएम भिवानी के जितने भी कर्मचारी हैं उन सब ने विरोध स्वरूप जो वित्त विभाग की तरफ से जो लेटर था, एनएचएम हरियाणा की तरफ से जो लेटर था उसकी जो प्रतियां हैं वो हमने आज जलाई हैं विरोध स्वरूप। जो वित्त विभाग ने जो लेटर जारी किया था एनएचएम कर्मचारियों के जो बार बाइलार्ज लगा हुआ था
उसको अब हटाने का जो काम है वो आरंभ कर दिया है उन्होंने। इसलिए आज उनकी प्रतियां जो है वो जलाई गई हैं। अगर आगे से अगर ये काम अगर उन्होंने नहीं रोका यहीं पे ही, तो आगे से हम और भी प्रदर्शन करेंगे। और बाई लार्ज अगर हटाया जाएगा तो सारे कर्मचारी हैं वो अपने काम को यहीं की यहीं छोड़ के और प्रदर्शन धरने पे बैठ। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा हमारे NHM कर्मचारियों को जो सर्विस लाइबा हमें 2018 में मिले थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उन्होंने कहा है कि ये कच्चे कर्मचारी है और इनको पक्के कर्मचारी की तरह DA TA का लाभ नहीं मिलना चाहिए और इनकी सैलरी एक मुक्त होके कुछ फिक्स सैलरी होनी चाहिए। तो ये गलत है जो हमें सर्विस मिले थे 2018 में, तो उसको हम यही कह रहे हैं कि अगर ये सरकार फैसला वापसी नहीं लेती है तो हम इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। ये आज हमारा सांकेतिक था कि हमने प्रतियां जलाई है इसकी। अगर सरकार हमारी मांगों की सुनवाई नहीं करती, हमें 7th पे का लाभ नहीं देंगे, तो हम आगे भी इसको आगे बढ़ाएंगे प्रदर्शन को। शुक्रवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में TB के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चेतना रैली का आयोजन किया गया। रैली को भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से TB मरीज से दूर भागने की बजाय उसके उपचार में सहायता करने की अपील की। स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में TB के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शहर में चेतना रैली निकाली गई, जिसको सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए बताया कि भारत को 2025 तक TB मुक्त तभी कर सकते हैं जब प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति जागरूक हो तथा अपना पूर्ण सहयोग दे। उन्होंने बताया कि TB फेफड़ों का खतरनाक रोग है, लेकिन यह दिमाग, गर्भाशय के अतिरिक्त शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। यह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण फेफड़े सहित रक्त प्रवाह के साथ शरीर के अन्य भागों में भी फैलता है। यह हड्डियों के जोड़, आंत, मूत्र व प्रजनन तंत्र के अंग, त्वचा और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली आदि में भी हो सकता है। यदि TB को प्रारंभिक अवस्था में ही ना रोका गया तो TB जानलेवा भी साबित हो सकता है। सिविल सर्जन ने बताया कि हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि TB के मरीजों को प्रेरित करें कि वह समय पर दवाई लें, समय पर खाना खाएं, व्यायाम करें तथा अपने आसपास की सफाई का भी ध्यान रखें। वहीं क्षय रोग प्रभारी डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने बताया कि अगर कोई भी TB का मरीज अपना पूर्ण ध्यान नहीं रखता है या खांसते छींकते समय मुंह पर कपड़ा नहीं रखता है तो वह व्यक्ति 10 से 15 व्यक्तियों को TB की मरीज बना सकता है। इसलिए TB के मरीज को यह भी ध्यान रखना है कि वह खांसते छींकते समय मुंह पर कपड़ा अवश्य रखे। आज हमने अपना निक्षय दिवस मनाया है। हम हर महीने 24 तारीख को निक्षय दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, ताकि लोग TB के बारे में जागरूक हों और अगर TB के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत अपनी जांच कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी बीमारी पकड़ में आएगी उतनी ही जल्दी बीमारी का इलाज होगा। बीमारी फैलने पर उसके इलाज की संभावना कम हो जाती है। हमारा यही उद्देश्य है। हम मरीजों को पूरा जल्दी से जांच करवा के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जैसे हम हर महीने 24 तारीख को निक्षय दिवस मनाते हैं और हम एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी कर रहे हैं, घर घर जाके जो हमारे हाई रिस्क एरियाज है उसमें घर घर जाकर हम मरीजों की जांच करते हैं और उनको अगर TB पाए जाने पर TB की दवाई शुरू करते हैं। इसके साथ ही हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें वल्नरेबल मैपिंग हम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम घर घर जाकर जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनकी हम जाँच कर रहे हैं, उनकी लिस्ट बना रहे हैं, ताकि उनको हम TB के बारे में जागरूक भी कर सके और अगर उनमें किसी में TB के लक्षण हैं तो उनकी जाँच करवा के उनको इलाज पे शुरू कर सके। तो ये दोनों कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। इसके साथ ही हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर हम कम्युनिटी सपोर्ट है, तो मैं सभी संस्थाओं से, सभी जो व्यक्ति हैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो कम्युनिटी सपोर्ट के लिए हमारे लिए आगे आए, ताकि जो मरीज जिनको की पोषण योजना की जरूरत है, पोषण की जरूरत है, सरकार 500 रुपये हर महीने पेशेंट के खाते में डालती हैं, इसके अलावा भी कुछ मरीजों को ऐसी ज़रूरतें हो सकती हैं जो हम लोग अपनी सेवाएँ दे के उनको प्राप्त करवा सकते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जब मरीज TB की दवाई खाए तब तक हम उसको कम्युनिटी सपोर्ट करें। अगर उसको निक्षय की पोषण योजना की ज़रूरत है तो पोषण दें, अगर उसको किसी और वोकेशनल की ज़रूरत है तो उसको हम सपोर्ट करें कि जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं अगर वो कोई योजना के अंतर्गत उसको लाभ दे सकती है तो हम उनको। हर महीने की हम 24 तारीख को निक्षय दे मनाते हैं और इसका मनाने का यही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके केस फाइंडिंग करें और केस का जितना जल्दी पहचान होगी, जितना जल्दी इलाज स्टार्ट होएगा, उतने ही इसको TB को ख़त्म करने का एक कदम हम आगे लेंगे। 2025 तक हमने TB को ख़त्म करना है। इसके लिए हम एक्टिव केस फाइंडिंग की कैंपेन चला रखी है और हर महीने की 24 तारीख को हम TB डे निक्षय दिवस मनाते हैं। इसके लिए निक्षय दिवस में 2 या 3 बात मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आदमी इसको पहचान में
नोटिफिकेशन में, ट्रीटमेंट में जो सहायता करता है उसको हम एक इंसेंटिव देते हैं। जो मरीज होता है उसको न्यूट्रिशन के लिए भी हम इंसेंटिव 500 रुपये महीना देते हैं। और आम जनता को भी हम आग्रह करते हैं कि जो भी बेसहारा, जिसको कमज़ोर तबके का जो मरीज है टीबी का है, उसकी सहायता के लिए उनको गोद लेना शुरू करें ताकि मेंटली, न्यूट्रिशनली और साइकोलॉजिकली वो स्ट्रॉन्ग बने। हिसार से गोरखपुर रवाना होने वाली दैनिक रेलगाड़ी गोरखधाम एक्सप्रेस का कलानौर में 2 मिनट का ठहराव रेल विभाग ने मंजूर कर दिया है। दैनिक रेल यात्रियों के अनुरोध पर विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है ताकि कलानौर व आसपास के यात्री भी इस गाड़ी का फायदा उठा सकें। भिवानी में आज दिनांक 24 जून से गोरखपुर से चलकर भिवानी के रास्ते हिसार तक जाने वाली गाड़ी नंबर 02455 एवं हिसार से चलकर वाया नई दिल्ली के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली गाड़ी का कलानौर में 2 मिनट का ठहराव किया गया है। यह ठहराव 6 महीने के लिए अस्थायी तौर पर किया गया है। वहीं सभी रेल यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि इस ठहराव का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि इस ठहराव को स्थायी ठहराव मिल सके। हमारा प्रयास है कि कालिंदी एक्सप्रेस को वाया रेवाड़ी चला जाए ताकि रेवाड़ी से भिवानी आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके, क्योंकि रेवाड़ी से भिवानी इस समय में कोई ट्रेन नहीं है, जबकि रेवाड़ी से भिवानी का रोड रूट भी नहीं। आज गोरखधाम गाड़ी 24 जून को नई दिल्ली से आने के टाइम पे कलानौर 2 मिनट का स्टॉपेज कर दिया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध है आने के समय एवं जाने के समय इस गाड़ी का 2 मिनट का ठहराव किया गया है। इस गाड़ी से लोग यात्रा करना चाहें, अच्छी बात है, और ताकि यात्रीगण मिलेंगे तो ये स्टॉपेज आगे परमानेंट हो जाएगा। गाड़ियों में हमारा प्रयास है कालिंदी एक्सप्रेस को वाया रेवाड़ी लाने का, क्योंकि भिवानी से रेवाड़ी का रूट रोड रूट नहीं है, इसलिए हमारा प्रयास है कि कालिंदी को वाया रेवाड़ी भिवानी लाया जाए। शीघ्र ही रेल प्रशासन द्वारा मंजूरी प्राप्त होने की संभावना है एवं भिवानी वासियों को दिवाली के लिए गाड़ी और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बीती रात रामगंज मोहल्ले में बिछवन जोहड़ में एक युवक की डूबने के कारण मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि मनीष गर्मी से निजात पाने के लिए जोहड़ में नहाने के लिए उतरा था तो अचानक वह गहरे पानी में डूब गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। भिवानी रामगंज मोहल्ले में बिछवन जोहड़ में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रात वह अपने साथियों के साथ घूमने के लिए गया हुआ था, जहां गर्मी होने के कारण उसने नहाने का फैसला किया, लेकिन वह जोहड़ में गहरे पानी में डूब गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को बुलाकर युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। युवक की पहचान कुम्हारों के मोहल्ले के निवासी मनीष पुत्र देवीराम के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले में परिजनों ने सरकार से मांग की है कि मृतक युवक के परिवार की आर्थिक मदद की जाए। मेरा नाम शरण कुमार है जी, ये मेरे चाचा का लड़का था। शाम को दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, दोस्त नहाने लग गए, इसका पैर फिसल गया। मेहनत मजदूरी करता था, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि इसकी आर्थिक मदद की जाए। कितने भाई बहन? ये चार भाई दो बहनें हैं। दो भाई पहले एक्सपायर हो चुके हैं, अब दो बचे हैं। शुक्रवार को युवाओं, किसानों एवं महिलाओं ने एकजुटता दिखाते हुए संयुक्त बेरोजगार छात्र युवा मोर्चा के नेतृत्व में सरकार द्वारा लागू की जा रही अग्निपथ योजना को रद्द करवाने की मांग को लेकर भिवानी के उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर अनेक संगठन पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया। युवाओं, किसानों एवं महिलाओं ने एकता बनाकर भिवानी में संयुक्त बेरोजगार छात्र युवा मोर्चा के नेतृत्व में अग्निपथ योजना को रद्द करवाने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया तथा आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। युवा शक्ति स्थानीय नेहरू पार्क भिवानी में इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सभा की। युवाओं का नेतृत्व भाक्यू के युवा प्रधान रवि आजाद, युवा अजीत धनाना, युवा कल्याण संगठन के प्रवक्ता अनिल, छात्र नेता क्रांति, हरदीप टाला, राजेश बुरा, संदीप पंघाल, हर्ष कारा व संदीप मिताथल कर रहे थे। वहीं मंच संचालन किसान सभा के कॉमरेड ओम प्रकाश ने किया। सभी वक्ताओं ने अग्निपथ योजना को गैर संवैधानिक व गैर कानूनी बताया। वह कहा कि इसे तुरंत रद्द करते हुए पहले की तरह नियमित भर्ती शुरू की जाए तथा युवाओं को 3 वर्ष उम्र में छूट दी जाए, अन्यथा सरकार को जोरदार आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि युवा शक्ति नेहरू पार्क से प्रदर्शन करते हुए सर्कुलर रोड होते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय भिवानी पर पहुंचे, जहां संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ हो गया और ज्ञापन दिया। ये संयुक्त मोर्चा और जवान नौजवानों संघ समिति ने मिलकर किया है। जो अग्निपथ योजना लेके आई केंद्र सरकार उसके खिलाफ है, और ये पूरे हरियाणा के अंदर आज डीसी को ज्ञापन दिया जा रहा है राष्ट्रपति के नाम। तो आगे भी जो फैसला होगा ऐसी प्रकार लागू रहा, जब तक ये अग्निपथ योजना
खत्म नहीं होती, वापिस नहीं होती सरकार, तब तक हम लगातार संघर्ष करेंगे। इसके अंदर हमारे एक्सर्विसमैन भी हैं, किसान नेता भी हैं, मजदूर भी हैं, व्यापारी भी हैं, कर्मचारी सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं नौजवानों के लिए। वो लड़ाई टैक्टिस की है, ताकत की नहीं है। एक ड्रोन 40 लाख का आता है, 4 लाख का टैंक को बर्बाद कर देता है। क्या लड़ाई है? लड़ाई ड्रोन की हो चुकी है, टैक्टिस की हो चुकी है। 4 साल में कोई टैक्टिस नहीं है। झूठ बोल रही सरकार, झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है और पेंशन देना नहीं चाहती। भ्रष्टाचारी सरकार है। सूबेदार में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल दिल्ली चलो का नारा दे रहा हूँ, दिल्ली चलो का नारा दे रहा हूँ और सबसे पहले मैं दिल्ली में। अग्निपथ योजना मोदी सरकार लेके आई है, वो बिल्कुल देश विरोधी योजना है, जिससे हमारी जो आर्मी है, हमारी सेना है, उसका भी मोदी सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। इस देश को 2-3 पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। इसका आज पुरजोर विरोध किया है युवा शक्ति ने और किसान यूनियनों ने उसका समर्थन किया। आज संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे देश के सभी जिला मुख्यालयों पे और उसी अपील पे भिवानी में नेहरू पार्क से लेकर के लघु सचिवालय तक एक विशाल विरोध प्रदर्शन तिरंगों के साथ युवाओं ने, किसानों ने किया और ज्ञापन यहां डीसी महोदय को राष्ट्रपति के नाम दिया। अग्निपथ योजना को वापस लेने के लिए, पुरानी भर्ती की बहाली करने के लिए, जिनको ज्वाइनिंग देनी है, जिनका टेस्ट लेना, जिनका रिजल्ट आउट करना, सरकार तुरंत करे इस काम को। और जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं और जो युवा जेलों में बंद हैं, उनको तुरंत बाहर निकालो। बरसात का मौसम आने से शहर वासियों पर बढ़ रहा है अनेक बीमारी का प्रकोप, यह कहना है भिवानी के सीएम डॉक्टर रघुवीर सांडेले का। उन्होंने बताया कि भिवानी वासी अपने घरों के आसपास डेंगू मच्छर के प्रकोप से बचने के लिए पानी को इकट्ठा ना होने दें। वहीं उन्होंने अस्पताल में उल्टी, दस्त, बुखार इत्यादि के मरीज बढ़ने की भी जानकारी प्रदान की। शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने जानकारी देते हुए बताया कि बरसात का मौसम आने से बीमारियां भी शहर में फैल रही है, जिससे बचाव के लिए बरसात के मौसम में लोग अपने घरों में और बाहर पानी इकट्ठा ना होने दें, कूलर की सफाई नियंत्रित करते रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि गमले में या लोन के अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें, इससे मच्छर उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां होने का भी डर बना रहता है। उन्होंने कहा कि जहां कचरा इकट्ठा करते हैं वहां पर सफाई रोज करें, क्योंकि इस टाइम में उल्टी, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां हो रही है। बच्चे और बुजुर्ग खास करके इस चीज का ध्यान रखें कि बाहर जाते टाइम या रात को पूरे शरीर को ढककर रखें। हो चुका है इस बारिश के सीजन में हमारी 2 तरह की मुख्य तरह से बीमारी होने की संभावना होती है। एक तो वेक्टर बोर्न डिजीज, एक वाटर बोर्न डिजीज। तो सबसे पहले हम वाटर बोर्न डिजीज की बात करेंगे। वाटर बोर्न डिजीज में हमारे जो मरीजों को होता है उल्टी, दस्त हो जाता है, पीलिया हो जाता है, मोती झारा हो जाता है। तो इसके लिए जो वाटर बोर्न डिजीज है, इसको हम आसानी से बचा जा सकता है अगर हम एक सावधानी रखें। तो पानी जो है हम स्वच्छ पिए, स्वच्छ पानी बनाने के लिए हमें पानी को उबालना चाहिए, ठंडा कर करके 1 घड़े में 1 क्लोरीन की गोली डाल दो और 30 मिनट तक उसको ढक कर रखो। उसके बाद वो सेफ वाटर बन जाता है। तो खाने पीने की चीज़ घर में बनी हुई चीज़ खाएं, पानी हम सेफ पिए। तो अगर ये 2 सावधानी रखते हैं तो वाटर बोर्न और खाने पीने से जो बीमारियां होती है उससे हम बचे जा सकते हैं। दूसरी है वेक्टर बोर्न डिजीज। वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए जो मच्छर से पैदा होने वाली जो भी बीमारियाँ हैं उसको कौन कौन सी होती हैं और उसको कैसे बचा जा सकता है। इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज में मुख्यतः हमारी जो बीमारियां हैं, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, ये ज़्यादा जापानी एनकेफलाइटिस है, ये बीमारियां होती है। इसमें जो मच्छर जहां पैदा होता है उनके रिसोर्सेज को हम ख़त्म करें। अगर हर व्यक्ति अपने घर में 1 दिन 5-7 मिनट का टाइम दे कि आसपास में जो गड्ढे हैं, कूलर हैं, गमले हैं, नारियल के खोल हैं, जो आदमी के द्वारा बनाए हुए छोटे कंटेनर हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ उसके जो मच्छर हैं वो अंडे देता है और अंडे के बाद उसका पुपा लार्वा बन करके मच्छर बन जाता है। तो हम एक तो उनको मच्छर पैदा होने की जगह को, तो इसलिए हम हर व्यक्ति ने कोशिश करनी चाहिए कि वैक्टर मच्छर को मारने के लिए उसके जो जहाँ पनपता है उस जगह को हम ख़त्म करें। दूसरी एक हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हम सुबह शाम जो घूमने जाते हैं अपने शरीर को ढक के जाएं, फिर भी अगर कहीं आसपास में पानी इकट्ठा हो रहा है या किसी को मच्छर की शिकायत ज़्यादा है तो वहाँ के जो
हमारे एरिया की टीम बना रखी है, हमने शहर की 22 टीम बना रखी है और गांव में 119, टोटल हमारी 141 टीम है, उनका भी हम एरिया वाइज नंबर डिस्प्ले करेंगे अखबार में, ताकि वहां के लोग उसकी अपनी शिकायत बताएं। तो लार्वा जिसके पास मिलता है उसको हम लीगल नोटिस देते हैं और संबंधित जो पंचायत हैं उस पंचायत की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ जा कर के फॉगिंग करवाएँ। फॉगिंग का कार्य जो होता है नगर पालिका और पंचायत के हाथ है, जहाँ पर भी ज़्यादा मच्छर है उनसे कांटेक्ट करके वो फॉगिंग करवाए, हमारा काम है उनको दवा। शुक्रवार को क्राउन प्लाजा में क्लब फ्लोक्स शोरूम की ग्रैंड ओपनिंग की गई। शोरूम की ओपनिंग नव चयनित पार्षद व चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह द्वारा की गई। इस अवसर पर वालिया एंटरप्राइजेस द्वारा संचालित शोरूम मालिक द्वारा भिवानी वासियों को सस्ती कीमत पर ब्रांडेड कपड़े बेचने की बात कही गई। शुक्रवार को पुराना बस स्टैंड स्थित क्राउन प्लाजा में मैंस वियर के लिए क्लब फ्लोक्स का उद्घाटन किया गया। वहीं कुलदीप कालिया ने बताया कि हमारे यहां लड़कों से संबंधित सभी प्रकार के कपड़ों के अच्छे कलेक्शन है। साथ ही उन्होंने बताया कि दुकान में बेहतर क्वालिटी के कपड़े सस्ती दरों पर भिवानी की जनता को मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने भिवानी की जनता से क्लब फ्लोक्स में पहुंचकर सेवा का मौका देने की अपील भी की। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चे की प्रदेश महामंत्री मीना परमार व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। बड़े भाई इकबालिया जी ने क्लब फ्लोक्स का जो कपड़ों का बहुत सुंदर शोरूम का यहाँ पर खोला है भाई साहब ने, और अच्छा बहुत अच्छा ब्रांड है और सारी वैरायटियां इसके अंदर है, और हमारा तो परिवार है और पारिवारिक से सभी परिवार के सदस्यों ने आज इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए और भाई साहब को सबको शुभकामनाएं दी कि भगवान इनकी उन्नति करे और जो नया प्रतिष्ठान खुला है इस पर कृपा करे। और मैं सभी शहरवासियों से यही निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलजुल करके सबके सहयोग से सबके समर्थन से इस शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा सुंदर बनाने का प्रयत्न करेंगे। आज क्राउन प्लाजा शॉप नंबर 217 के अंदर क्लब फ्लोक्स ब्रांड की ओपनिंग की गई है, जिसमें हमारे भिवानी के नवनिर्मित पार्षद और चेयरमैन भाई भवानी प्रताप जी पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्राउन प्लाजा में जो मेरे भाई हैं छोटे कुलदीप वालिया जी, उन्होंने क्लब फ्लोक्स का ये शोरूम मेंस वियर का खोला है, मैं इनको ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और शहरवासियों से भी ये निवेदन करती हूँ कि यहाँ पर आएं और अच्छे ब्रांडेड कपड़े यहाँ से लेकर के जाएं, ताकि आपको भी ये महसूस हो कि आप सही जगह पर गए हैं। और भाई को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, आप तरक्की करें, उन्नति करें। आज की खबर में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।